रिंग बज रही है। सर मैं आपको नेक्स्ट वीक आके देता हूँ। इंस्टॉलमेंट में दोगे? ईएमआई है क्या? लॉयर रवि के कहने से केस फाइल नहीं किया है। अगर मैंने केस फाइल कर दिया तो कोर्ट के चक्कर में लाखों का नुकसान हो जाएगा। सर है क्या? सर ऊपर है। अगर आधे घंटे में 1,00,000 रुपए नहीं भेजे तो सीधा जेल जाएगा। सर नमस्ते सर। हाँ बोलो। सर मैं मुक्ति चैनल में प्रोग्राम हेड हूँ। मैं डीजीपी भास्कर को जानता हूँ। यही बोलने आया क्या? ऐसा नहीं है सर। तो क्या है? कंप्लेंट देनी है। कौन सी? सुबह बैंक से 3,00,000 रुपए निकाले थे, वो चोरी हो गए सर। कितने रुपए थे? 3,00,000 रुपए सर। हुआ क्या है? सच सच बताओ। सर मैंने सुबह बैंक से रुपए निकाले तो वहाँ। ए तू मेरे बैंक अकाउंट के बारे में नहीं जानता? देख लूंगा मैं तुझे और तेरे बैंक को। सर 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 सुनिए सर, जरा सुनिए। इन लोगों को कोई रोकने वाला नहीं है क्या सर? आखिर बात क्या है ये तो बताओ। सर मैं घर में अपनी माँ को बोल के आया था कि छोटी बहन की फीस भरूंगा, इन्हीं के बैंक के एटीएम से पैसे निकाल कर मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो कह रहे हैं कि नोट नकली है। नोट को नकली नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? ए तो फिर से वही बात बोल रहा है। इतना परेशान क्यों होते हो भाई? तुम्हें इतना तो मिला है, कुछ लोगों को तो वो भी नहीं मिलता। नहीं सर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। भाई गुस्सा मत करो, गुस्से से ब्लड प्रेशर शुगर बढ़ेगा, सोल्यूशन निकलेगा। क्या समझ में आया? क्या समझ गया सर? क्या समझ में आया? यही कि पैसों के लिए बैंक आओगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ठीक। अबे रुक, अकल नहीं क्या तेरे को? क्या हुआ? नालायक कहीं का, गाड़ी पर थूक कर चला गया वो। आप ही कह रहे थे ना क्या? कि गुस्से में इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप इस बारे को क्या समझ नहीं रहे हो? अगर पकड़ में आ जाए तो हड्डी पसली एक कर दूंगा उसकी। सिर्फ भक्ति काफी नहीं है, डर भी होना चाहिए सर। एक काम करो, नीचे जाओ और कंप्लेन लिखा दो। मैंने कहा ना मैं डीजीपी भास्कर। मुझे पहचान दिखा रहे हो? अगर पहचान थी तो यहाँ क्यों आया? सर 3,00,000 रुपए सर। कंप्लेन लिखा दो, काम हो जाएगा तो बुला लेंगे। सुदर्शन सर। ये अर्जुन सेना कौन है? और कौन सर, वही 3 लोग मतलब चोरों की गैंग। अर्जुन सिन्हा? हाँ सर वो 3 लोग हैं, बचपन से साथ में बड़े हुए हैं, हर काम वो तीनों मिलके ही करते हैं। उसमें एक को ऑस्कर बुलाते हैं क्योंकि वो उस लेवल का एक्टर है। उसका काम है कि जिसको टारगेट बनाता है उसको पहले परख लेता है। दूसरे का नाम है शुभम, उसकी स्पेशलिटी है टाइमिंग, टारगेट किए हुए व्यक्ति को डाइवर्ट करना। तीसरे का नाम है अर्जुन, वही इस टीम का लीडर है। इसके बारे में बता दूं कि इसे दुनिया में एक ही चीज से प्यार है और वो है पैसा। पैसा है तो अपनी दुनिया में रहता है और नहीं है तो वही चोरी डकैती। ये क्या, तुम मेरे बारे में बता रहे हो या उनके बारे में? सर वैसे वो लोग मिलेंगे कहाँ? अरे वाह। तुम इस तरफ, तुम इस तरफ जाओ। पुलिस आ गई है यार। पता नहीं कहाँ से लूट के लाते हैं, अब मुझसे छीन रहे हैं। इनकी करनी यही जाने। चल तेरे को बताता हूँ नाचना क्या होता है। सर लग रहा है सर, सर हमने पैसे नहीं चुराए, मैं भगवान कसम खा के कहता हूँ सर, हम पर भरोसा कीजिए। सर सर मेरे पापा को दुबई का वीजा नहीं मिला था तो वो एक बेंच पर लेटे हुए थे और बॉम्ब ब्लास्ट के केस में उन्हें जेल में डाल दिया था सर। मैं सच कह रहा हूँ सर। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब किस पैसे के बारे में बात कर रहे हैं सर? सर हमने दशहरे के दिन मंदिर में कसम खाई है सर कि ये सब काम हम छोड़ देंगे सर, प्लीज सर प्लीज सर। चल भरोसा कर लिया, लेकिन वो पैसे कहाँ हैं बता दो नहीं तो तोड़ दूंगा। सर कसम से सर हम ये एरिया में नहीं आएंगे, कसम खाता हूँ सर, सच में बोलो प्लीज। क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ सर? इसे बचपन से इसे ब्रेन ट्यूमर है सर, डॉक्टर ने कहा किसी भी समय से मर सकता है। अरे क्या हो गया इसे? अरे कुछ करो। अरे अरे किसी को तो बुलाओ। ए सुना है कि ब्रेन ट्यूमर में इलेक्ट्रिक का शॉक देते हैं, पावर तो कट नहीं ना अपना? सर सर ये तो अंधे को और अंधा करने जैसा हो गया सर, बिना प्रूफ के क्या जान ले लेंगे आप हमारी? सर ये तो सरासर अन्याय है सर, अगर इसे करंट का झटका लगा तो ये तो निकल लेगा दुनिया से। शुभम सुन, पहले मैं निकलूंगा। 303 इंसान को ऑन द स्पॉट मारने के लिए कितना पावर चाहिए? 1,000 सर। 2,000 वाट डॉलर। ओके सर।
सकते। उठ जा, मरेगा क्या? मैं क्या बोल रहा था सर, देखिए ये झटके झुटके में किसी की जान भी जा सकती है सर। क्यों फालतू का किसी की जान लेना सर? और देखिए हम तो वैसे ही सोच रहे थे कि हम यहीं रुक जाते हैं सर, गलती तो हो गई है हमसे, तो आप हमारे माई बाप हैं, आप जो बोलेंगे वैसा करेंगे। क्यों रे, पैसे निकाल, चल 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 पैसे निकाल ना, चल पैसे निकाल ना। अबे पैसे निकाल, बोल रहा हूं। उठ उठ, मैं कहां हूं? कैसे हो तुम लोग, क्या हुआ सर, आप यहाँ कैसे? उतनी के निकाल सर, ये 50,000 है, बाकी 1,00,000 कहाँ है? क्या बताऊँ, अभी क्या चावल दाल धनिया में लग जाता है पैसा सर। सर केस फाइल बना दूँ? पैसे तो गिनने दे सर, अभी निकलते हैं हम लोगों के। अरे आरती ले लो, अब तुम लोगों को भगवान ही बचा सकता है। कैसी बातें कर रहे सर, ये ऊपर वाला भगवान क्या है, ये सर जी ने हमें छोड़ दिया। चुपचाप आरती ले लो। शक्ति, आयुष्मान भव। गुरुजी, इस हवन के बाद मेरा काम हो जाएगा ना? पंचभूत से नवग्रह को तो शांत कर ही दिया। 15 साल से जो मैंने कहा वही हुआ ना? आज तुम इतने बड़े आदमी कैसे बने हो, जरा उसको याद करो। आपको तो पता है ना गुरुजी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए थिएटर में वॉचमैन था। किसी ने मुझे लड़की नहीं दी तो गुस्से में ट्रेन के बाथरूम में छुपकर गांव से शहर में आ गया। यहाँ पर आकर सोचने लगा कि मैं यहाँ पर करूँ क्या, फिर मुझे लगा कि रियल एस्टेट का ब्रोकर बन जाता हूँ। उसके बाद सिलसिला चल निकला, ये तो आपको पता ही है ना। वैसे आज तक कितने बना लिए? सेंचुरी में 20 का 80 तक। करोड़ों? हाँ जी। अंगूठा छाप होकर तुमने इतना कमा लिया, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स 10-20 में ही पड़े रहते हैं। उम्मीद रखना अच्छी बात है, पर सिर्फ उससे ही कुछ नहीं होता। वही शहर के पास की 10 एकड़ जमीन का रजिस्ट्रेशन करवाया था। मंगलवार के दिन अमावस्या को रजिस्ट्रेशन करवाया है। उसके बाद आपने मुझे डांटा तो था। वो जगह बेटे ने बाप से पूछे बिना मुझे बेची, अब उसका केस कोर्ट में है। मुझे नहीं लगता वो केस जीतने वाला है। उसमें 300 फ्लैट्स है जिसमे से आधे बिक चुके हैं, बचे हुए फ्लैट्स के खरीदार मुझे नहीं मिल रहे। गुरुजी, हवन करवाओगे तो सब सही हो जाएगा, जितने भी ग्रह हैं ना सब कंट्रोल में आ जाएंगे। बहुत जल्दी तुम्हारी जिंदगी में एक महापुरुष आने वाला है, वो तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। ऐसा क्या गुरुजी, कब आएगा, कैसे आएगा, मैं कैसे पहचानूंगा उसको? सूर्य की किरणों के साथ ही सुबह सुबह पैदा होगा और ध्यान मुद्रा में बैठे विष्णु भगवान की तरह दिखाई देगा। तुम आँखें खोलो उससे पहले ही वो तुम्हारी अज्ञान की आँखें खोल कर तुम्हारा शुभ करेगा। वो महापुरुष कहाँ होगा? अबे नहीं यार, अबे फट तो गए, अंदर जाएंगे मूर्ति उठाएंगे, 2 करोड़ अपने हो जाएंगे। अबे भगवान की मूर्ति है, चोरी मत कर, हाथ जोड़ता है। भगवान बोलता है ना कि मेहनत करके उठाओ, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग मेहनत करेंगे ना, अंदर जाके उठाएंगे, मेहनत करेंगे और क्या। नहीं नहीं मुझे नहीं करना है। तो ठीक है, तुम दोनों फट्टो यहीं रुको, मैं अकेला जाता हूँ। हम नहीं जाएंगे, तू जाके चोरी करके आ जा। क्या हो गया इसे, पागल हो गया ये? चोरी करके भागता है।
इधर ही होगा। कहाँ गया? यही तो आया था। देखो इधर ही होगा। हाँ हाँ देखो कहाँ जाएगा भागकर? नहीं होगा। यही होगा क्या? तुम उस तरफ देखो, उधर टूट गया होगा। सूर्य की किरणों के साथ ही सुबह सुबह पैदा होगा और ध्यान मुद्रा में बैठे विष्णु भगवान की तरह दिखाई देगा। हेलो भैया, खुशखबरी है, वो बुड्ढा रात को मर गया है, सारी जमीन अपनी हो गई है। तुम आंखें खोलो उससे पहले ही वो तुम्हारी अज्ञान की आंखें खोलकर तुम्हारा शुभ करेगा। गुरुजी, क्या कर रहे हो? अरे मैं कहाँ हूँ? ये प्रश्न स्वयं से करना चाहिए। तुम कहाँ हो, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही शब्द में दे दिया है स्वामी जी ने। जय हो कृष्णानंद स्वामी की, जय हो कृष्णानंद स्वामी की। आप लोग मुझे क्या समझ रहे हो? हम क्या समझेंगे, इस प्रश्न का उत्तर तो बड़े बड़े ज्ञानी नहीं दे पाए, मात्र भगवत गीता में ही इस प्रश्न का उत्तर है, वही स्वामी जी ने भी बताया। जय हो कृष्णानंद स्वामी की, जय हो कृष्णानंद स्वामी की। आ गए क्या? हा? आप मेरे लिए आए हैं स्वामी? अब ये क्या स्वामी, इस गरीब के ऊपर आपकी कोई भी दया दृष्टि नहीं है। 20 साल से मुझे शुगर बीपी सब हो गया है, पर आपके दर्शन नहीं हुए स्वामी, लेकिन आज आपने मुझे दर्शन दे ही दिए स्वामी। मेरा जीवन धन्य हो गया, कितने दिनों के बाद मेरी पूजा सफल हो गई, मेरी इच्छा पूरी हो गई स्वामी, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया स्वामी। जय कृष्णानंद स्वामी जी। भक्तों की सेवा के लिए कृष्णानंद स्वामी आ गए हैं। बाबा जी की जय हो। बाबा जी जरा। बाबा जी की जय हो। ये देखो देखो। नमस्कार जी जरा। हाँ जी, ये लीजिए। चलो आगे बढ़ो। कृष्णानंद स्वामी की जय। कृष्णानंद स्वामी जय। हटाओ हटाओ ली। बाबा जी कहोगे तो हो जाएगा, समझे नहीं? नहीं समझे। समझे क्या करते हो? अभी भी नहीं समझा। अभी समझा? हाँ हाँ समझ गया। स्वामी की ये लीजिए, बाबा जी की फोटो लीजिए, आपका कल्याण होगा। धन्यवाद। ये देखिए बिकी ले रहा है। जय कृष्णानंद स्वामी जी। कृष्णानंद स्वामी की। कृष्णानंद स्वामी की। प्रणाम सुनिए।
अब इसे क्या चाहिए? हेलो, तुम्हारे साथ शादी करके मैंने अपना ही गला काट दिया। उस राजनीति के चक्कर में मैंने जो दहेज में पैसे लाए थे वो भी खत्म हो गए। ऊपर से एमएलए बनने के चक्कर में 10 साल से पार्टीज में घूम लिया। तुम तो कॉर्पोरेटर भी नहीं बन पाए, छे तुम्हारे जीने पर। अरे मैं क्या करूं? इलेक्शन कैंपेन करके तो अभी अभी आया हूं। फोन क्यों किया? घर आ रही हो क्या? क्यों आओ घर पे? ये भी कोई जीना है? बेटे का बर्थडे तो याद नहीं रहता, ऊपर से कैंपेन लड़ने चले गए। कैसे याद रहेगा? 6 महीने में एक बार आती हो, गालियां देकर चली जाती हो। क्या करूं? तुम हमेशा करतूते तो ऐसे ही करते हो। उधार लेके देश की सेवा करो। हाँ,